वेलकम बैक गाइस, बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है। व्लॉग इस दफा बन रहा है आलम जफा को। अच्छा, फिर प्लान कुछ ऐसा बना था कि आसिफ का दोस्त राज आया है अहमदाबाद से, मैं भी आया हूँ इस्लामाबाद से, और इसने बहुत इकरार किया है कि मैंने आलम जफा जाना है, तो इसको लेके जा रहे हैं आसिफ व्लॉग की गाड़ी में आलम जफा। चलो जा, अल्लाह हाफिज। पीसी मालम जब का हमारा ये पहला विज़िट है, इससे पहले हम पीसी मुजफ़राबाद गए थे, तो वो काफ़ी वाइड एरिया में है और उनका बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बात अगर की जाए पीसी मालम जब की, तो इसका बिल्डिंग तो उसके हिसाब से काफ़ी छोटा है, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे है और व्यू भी इसका डिफरेंट है उससे थोड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 जून है, गर्मी का मौसम है, यानी कि शदीद गर्मी का मौसम, और इधर हम बिल्कुल धूप के सामने नॉर्मल खड़े हुए हैं क्योंकि हवा बहुत ठंडी है। हालांकि जो उर्दू स्पीकर है कोई भी यहाँ पे नहीं है, हम तीन लड़के सिर्फ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो नहीं फील हो रही गर्मी। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आपने रिज़र्वेशन पहले से की होती है और आपको कोई कूपन वगैरह नहीं ख़रीदना पड़ता। अगर आपने रिज़र्वेशन नहीं की हुई तो जितने लोग होंगे गाड़ी में हर एक के लिए 1000 रुपीज़ का एक कूपन मिलता है, जिससे वो अंदर कुछ खाना खा सकता है, पी सकता है, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ही हैज़ टू यूज़ दैट मनी इन द होटल, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है। आपको पता है इस पीसी को, इससे पहले दूसरा होटल था, मुझे नाम नहीं पता कि वो पीसी था कोई और होटल था, लेकिन उसको जला दिया था टेररिज़म के दौरान पाकिस्तान में। तो उस टेररिज्म के बाद जो सबसे अच्छी इन्वेंशन मुझे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो पीसी में हुई है और इस एरिया में हुई है, तो वो चेयर लिफ्ट की बहाली थी, और न्यू इन्वेंशन जो है वो थी ज़िप लाइन, जो कि बहुत ही एडवेंचरस चीज़ है, लेकिन वो हमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरी बात ये कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। आसिफ और राज जो है वो गए हुए हैं, देखते हैं कि वो क्या लेके आते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगा।
गाइस, ये है मलम जब्बा का टॉप जिसके हमने इतनी हाइकिंग की थी। अब हम जा रहे हैं वापस, चार्ज भी ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश आमदीद।